रुड़की भगवानपुर में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क पर आयोजित इस धर्म सभा में सभी धर्मों के सदगुरु मौजूद रहे व 20 मिनट का सांकेतिक मौन भी रखा गया। प्रार्थना सभा में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पूरे देश में इस तरह की घटनाओं में हो रही हिंसा पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। कर रहे थे, उनकी जानें बचा रहे थे, और जब मैंने विधानसभा में इनके विषय में प्रश्न पूछा था, धन सिंह रावत जी ने वादा किया था इन सबको संविदा के कर्मचारियों के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, इनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन आज धन सिंह रावत जी दोबारा सरकार आने के बाद अपने वादे से मुकर गए हैं और कुछ लोगों को अभी नौकरी से बाहर कर दिया गया है। इससे बड़ा निंदनीय कार्य ये बीजेपी की सरकार नहीं कर सकती। जिस कोरोना में इनका पूरी तरह फेलियर रहा, 14,000 से ज्यादा लोग मरे इस प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी माफी नहीं मांगी। जिन लोगों ने जान बचाने के लिए काम किया उन सबको नौकरी से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की आंखें बंद हो गई हैं और साथ देने वाले लोगों को इस तरीके से अगर करेंगे, राज्य में कौन लोगों की सेवा करने के लिए आगे आएगा, ये समस्या परे है। एक पार्टी विषय एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश में पोलराइजेशन ऑफ वोट हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है क्यों हो रहा है। केवल वोटों का एकीकरण करने के लिए पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए ये सारे दंगे कराए जा रहे हैं। और इसका और प्रोत्साहन कैसे दिया जा रहा सरकारों के द्वारा, उसका उदाहरण दिल्ली है। केजरीवाल जी पे जिन्होंने आक्रमण किए उनको जेल भी, और जब वो जेल से छूट के आते हैं एक पार्टी विशेष के दफ्तर में उनका स्वागत अभिनंदन किया जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच में उनको महामंडित किया जाता है। अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ेंगे, क्या देश एक रह पाएगा? क्या इस देश की एकता रह पाएगी? क्या देश को खतरा नहीं होगा? और क्या जो भी चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जिसके परिवार का एक व्यक्ति मरता है क्या वो वापस आता है? जिसका बाप मरता है उस बच्चे को उसका पिता मिलता है? जिसका पति मरता है उस बहन को क्या उसका पति मिलता है? ये प्रश्न हमारे ही नहीं है, ये हर पढ़े लिखे हर संवेदनशील व्यक्ति के प्रश्न हैं, जिनको लेकर आज हमने ये किया ताकि लोग जागरूक हों और इनकी बातों में ना आए, देश में झगड़े और दंगे ना हो सके। राज्यपाल संरक्षण भी मांगा था। वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राष्ट्र को खतरे में डाला जा रहा है, यह हर कोई जानता है कि इस तरह की धार्मिक झगड़ों से किसको फायदा होता है। इस बात का विरोध करते हुए कांग्रेस ने आज सर्वधर्म सद्भाव प्रार्थना सभा का आयोजन किया। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कहा कि हमने भी आशा और उम्मीदों का दिया जला के रखा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आधियों से शर्त लगा रखी है, देखते हैं हमारी उम्मीदें हमारी आशाएं हमारी भावनाएं जीतती हैं या आधियों के साथ शर्त लगा करके इस आशा और विश्वास के दिए को बुझाने वाली भी जलती है। ये विचार है, हम उनके खिलाफ हम इस वैचारिक लड़ाई को लड़ेंगे। जो भी ऐसी ताकतें हैं जो भी इस समय, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है, जो व्यक्ति भी इस समय कोई उन्मादपूर्ण बात कह रहा है वो देश के हित में नहीं। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी आपने सवाल उठाया है, क्या लगता है पुलिस भी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही है? उसके विषय में कांग्रेस ने कल महामहिम गवर्नर को ये ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस को निष्पक्ष तरीके से और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको स्वतंत्र रूप से हैंडल करना होगा। ये हम राज्य सरकार से आग्रह भी करते हैं और ये हमको उम्मीद है कि पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करने दिया जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश और प्रदेश को इस वक्त प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, इसलिए सरकार पुलिस को आवश्यकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे। सद्भावना प्रार्थना सभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आदि ने शिरकत की।